गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल हाय माय नेम इज प्रियंका आप सभी का स्वागत है और सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में ठक 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 जैसी आवाज़ें आ रही है क्योंकि शायद कहीं पे ऐसे कुछ काम चल रहा होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन आप समझ गए होंगे टाइटल पर से कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम खाने वाले हैं किसी और का फेवरेट फूड, मतलब खुद का तो सब खाते ही हैं, तो आज हमने सोचा कि हम किसी और का खाएंगे। तो हम खाने वाले हैं तमन्ना दुबे, आप लोग उसे जानते ही होंगे, मैं उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके जरूर देखना। तो हम उनके फेवरेट खाना खाने वाले हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताई है ऑनेस्टली, और स्पेशली ब्रेकफास्ट मतलब कुछ ऐसा है जो मैं नॉर्मली कभी भी नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ फैंसी था, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं और देखते हैं हमने ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो प्रियंका एंड हेलो टू ऑल द प्रियंका फैंस, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सबको हेलो। एंड टाइटल से और इसने तो आपको बता ही दिया होगा कि आज ये मेरा फेवरेट फूड खाएगी, तो आज मिस प्रियंका मैडम फंसी है मेरे चंगल में। आज मैं उसे अपना जितना भी फेवरेट फूड है ना उसको हमने ऐसे ब्रेकफास्ट और लंच डिनर के हिसाब से सेट कर दिया जो जो हमारा फेवरेट फूड है, एंड बस 24 आवर्स तक हमको एक दूसरे का ही फेवरेट खाना खाना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले तो मैं चाय पीती हूँ, आई एम अ बिग चाय लवर, तो मैं इसको भी चाय दूँ। एंड साथ में तुम मैक्रोनी खाओगी, वो भी टमेटो मैक्रोनी, मतलब उसमें सिर्फ टमेटोज पड़े होंगे और कोई भी वेजिटेबल्स नहीं, क्योंकि मुझे ना वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती हैं और ज़्यादा मेरे को सिर्फ ऐसे मतलब सादी सिंपल मैक्रोनी या मैगी अच्छी लगती है। सो ये है आपका ब्रेकफास्ट, जाओ खाओ एंड बताना कि वो मैक्रोनी कैसी बनी, ठीक है। हेलो गाइस एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि तमन्ना ने हमें बोला है हम ब्रेकफास्ट के लिए खाने वाले एकदम फैंसी सी आइटम, हम खाएंगे मैक्रोनी जो कि मैंने आज से पहले एज अ ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं खाया है, और उसके साथ थैंक गॉड के वो चाय पी दिए, तो हम चाय भी पी सकते हैं, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद ही हम चाय पियेंगे। और उसने मुझे रेसिपी भी भेजी है, मैं आपको सुनाती हूँ, मतलब उसने ऑडियो क्लिप भेजा है तो हम वही फॉलो करेंगे और उसी तरीके से बनाएंगे जैसे उसको पसंद है। तो अभी ज्यादा बकवास नहीं करते, जल्दी से बनाते क्योंकि बहुत भूख लगी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। एक तो मैं ब्रेकफास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम पोहे ही खाती रहती हूँ, तो आज कुछ अलग मिला है तो मैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और पहले हम खाते हैं यार, बड़ा मेरे मुंह में से पानी आ रहा है मतलब इसे खाने के लिए, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं इतना ज़्यादा पास्ता वगैरह मैक्रोनी वगैरह कुछ भी ऐसा खाती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर मैगी ही खाती रहती हूँ। ये मैं ज़रूर बना के खाऊंगी वापस से, थैंक यू सो मच तमन्ना, इस रेसिपी तमन्ना की सेम रेसिपी मैंने बनाई ताकि उसका टेस्ट डाल सके, मतलब मैं तो शायद कुछ वैसे हल्दी मिर्ची डाल के कुछ ना कुछ कर देती, लेकिन मैंने सेम उसकी रेसिपी ही फॉलो की है एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब काश मैं आप लोगों को खिला सकती लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अभी हम पियेंगे चाय, तो पहले ये ख़त्म करते हैं देन अपनी मेरी और तमन्ना दोनों की फेवरेट चाय पियेंगे। तो अब बारी है लंच की, और लंच के लिए आप खाएंगी दाल, अरहर की दाल जो होती है ना, क्योंकि हमारे साइड यहाँ यूपी साइड जो एक कॉमन खाना है ना वो अरहर की दाल ही है, लाइक दोपहर में सबके घरों में ये अरहर की दाल बनती ही है। सो अरहर की दाल, रोटी प्लस साथ में प्याज वाला दही, मतलब आप नॉर्मल दही ले लो, उसमें नमक मिर्च और प्याज काट लो कच्चा प्याज, वो नॉर्मल दही, और साथ में मूली के जो ऊपर पत्ते होते हैं ना उसकी सब्जी, मुझे बहुत अच्छी लगती है मूली की सब्जी, मतलब वो जो मूली के पत्ते की सब्जी होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दैट सब्जी, क्योंकि मुझे पता है तुमने वो वाली सब्जी नहीं खाई होगी। सो बनाओ खाओ एंड मुझे भी बताना कैसी बनी।
ओके, तो हम बनाने वाले हैं मूली के पत्तों की सब्जी। एंड ऑनेस्टली मुझे मूली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मैंने खाई नहीं है, मुश्किल से ज़िंदगी में एक दो बार मैंने सब्जी खाई है, लेकिन मुझे उसकी स्मेल ही पसंद नहीं है। बट कोई बात नहीं, तमन्ना को पसंद है तो हम उसकी तमन्ना ज़रूर पूरी करेंगे। तो चलिए और बनाते हैं। वैसे उसने मुझे इसकी भी रेसिपी दे रखी है, तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे उसको पसंद है। तो चलिए किचन में चलते हैं और जल्दी से बनाते हैं, देन खाते हैं। बहुत सारी मेहनत, हमारा लंच आ चुका है एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मतलब बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अभी जल्दी से चख लेते हैं। और मैं अपने रूम में बैठी हूँ, पंखा बंद है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे भयानक वाली। सब्जी का मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है, बतानी कैसी है। शिट, मैंने ग्रीन चिली खा ली। सब्जी इज़ लाइक ओके, मतलब क्योंकि मुझे पहले से पसंद नहीं इसलिए मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन हाँ ठीक है, जैसे तमन्ना ने बोला था मैंने बिल्कुल वैसे बनाया है। और दही, दही भी मैंने अपने हिसाब से ही बनाया है वैसे, ऑफकोर्स दही तो अच्छा ही होता है। दाल में मेरे साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया, क्योंकि उसने मुझे अरहर की दाल बोला था शायद से, और मैंने किचन में देखा था वो नहीं थी, इसलिए मैंने अपने हिसाब से कोई भी दाल बना ली, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बाहर जाकर दाल खरीद के वापस आके बना सकूं, इसलिए मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया। दाल इज़ लाइक सदा बाहर, मेरे को कुछ ना भी हो और सिर्फ दाल दो ना तो भी मैं अकेले दाल खा जाऊँ बिना रोटी के, मुझे दाल बहुत पसंद है। ओके, सो आई रेट दिस सब्जी 10 में से 5। मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तमन्ना को अच्छी लगती है, अच्छी बात है, ग्रीन सब्जी खानी चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं अच्छी लगती तो छोड़ो। दही ऑफकोर्स एंड दाल तो भर पूरे एकदम चार चांद लगा रही है इस थाली में। तो अभी हम लंच कर लेते हैं एंड स्नैक्स टाइम के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसने मुझे ऐसी चीज़ बोली है ना जो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई, एंड फाइनली कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। मतलब ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन कुछ ऐसा बाहर की थोड़ी सी चीज़ें खाने को मिलेंगी तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, तब तक मैं लंच कर लेती हूँ। ओके, मैं ना बहुत थोड़ा थोड़ा खाती हूँ और काफ़ी इंटरवल पे खाती हूँ। सो अब बारी है शाम के नाश्ते की। तो मैं, पता है, जैसे 4-5 बजे के लगभग ना मेरा मन करने लगता है मोमोज का, क्योंकि मेरे घर के साइड में ना बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं। सो आई वांट यू टू ईट मोमोज या फिर पिज्जा, क्योंकि मतलब मेरी जो ऑडियंस है ना वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है कि आई एम अ बिग पिज्जा लवर। तो या तो पिज्जा या तो फिर मोमोज, यू डिसाइड कि तुमको क्या खाना है, दोनों ही मेरे फेवरेट है। ओके, तो उसने मुझे बोला था कि मोमोज खाने हैं एंड मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने मोमोज नहीं खाए हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मंगवा के रखे हैं मोमोज, उसने मुझे कुछ भी बोला नहीं था कि ऐसे मतलब स्पेसिफिकली यही खाने हैं, इसलिए मैंने अपने हिसाब से मंगाए। मैंने पनीर मोमोज मंगवाए थे शायद, मेरे को खुद को याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ शायद वही मंगवाए थे। जल्दी से खोलते, इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है भाई, एकदम अनएस्थेटिक। आपको मैं अनपैकेजिंग दिखाती हूँ, वो भी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ, बॉक्स है ना अपने पास। तो ये है हमारे पनीर मोमोज एंड यार बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, जल्दी से खा लेते हैं। नाउ जस्ट टेस्ट इट, इतनी भयंकर वाली स्मेल आ रही है। दिस इज सो यम, टेस्ट अमेजिंग, बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात कि मैंने ये जोमेटो पर से मंगवाया, एक मिनट, मैंने ये स्विगी पर से मंगवाया था, लेकिन टेप इस पे जोमेटो का आया हुआ है, चलो छोड़ो। तो सबसे बढ़िया बात कि ये मैंने स्विगी पर से मंगवाए थे, और ये हमारे घर के मतलब एकदम 10-15 मिनट के रास्ते पे ही मिलता है, तो एकदम गरम गरम है और थोड़े से क्रिस्पी भी है, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम ये खा लेते हैं एंड मुझे अभी सच्ची बताऊँ ना तो अभी मतलब शाम के 6-7 बज गए शायद से, तो पता नहीं डिनर के टाइम तक मुझे कितनी भूख लगने वाली है, क्योंकि अभी ये खा के मेरा पेट ऑलमोस्ट भर जाने वाला है। तो पहले खा लेते हैं, देखते भूख लगती है तो हम वापस से कुछ खाएंगे।
अब बारी है रात के डिनर की। तो रात का डिनर ना मैं थोड़ा सा हल्का रखूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता है कुछ कुछ चीजें हमारी मैच करती हैं। सो आई विल गिव यू पनीर का पराठा, क्योंकि मतलब मुझे पनीर का पराठा बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी ना हो ना, मेरी कोई मनपसंद सब्जी ना बनाई हो मम्मा ने, मैं उनसे सिर्फ यही बोलूंगी मम्मा आप मेरे लिए पनीर का पराठा बना दो, एंड आई विल लाइक हैप्पीली ईट दैट। सो तुमको बनाना है पनीर का पराठा, साथ में तुम कोई भी चटनी वगैरह ले सकती हो या शेजवान की चटनी। यस आई एम गिविंग यू शेजवान चटनी विद पनीर का पराठा, शेजवान वाली, वो जो चिंग्स की शेजवान चटनी आती है ना, यू हैव टू टेक दैट एंड ईट इट विद योर पनीर का पराठा, एंड सच्ची में बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें वो। तो जैसा कि तमन्ना ने बोला कि हमें खाना है अभी पनीर पराठा, एंड ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी भी घर पे पनीर का पराठा बनाया है नहीं वैसे, तो हम बस देखते हैं कि या तो मैं यूट्यूब पर से रेसिपी देखूंगी या अपने कुछ जुगाड़ कर लूंगी और जल्दी से बनाती हूँ और खाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया वैसे, 10 बज रहे हैं अभी रात के, तो चलिए बना लेते हैं एंड खाते हैं मज़े से बैठ के। तो हमारा पराठा बन चुका है एंड मैंने बड़े जुगाड़ करके बनाया, मतलब ऐसी कुछ रेसिपी वगैरह देखी नहीं है, एंड जल्दी से खाती हूँ यार आज, पता नहीं पहले तो मुझे इतनी भूख नहीं थी लेकिन फिर, और हमने शेजवान चटनी ली है तमन्ना ने बोला था इसलिए। पनीर इज लिटरली लव, मतलब पनीर मिल जाए ना तो मुझे कुछ भी नहीं, पनीर चाहिए, सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है। पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है सच्ची में, मुझे पता नहीं था इतना आसान है, वरना मैं पहले भी बना के खाती, लेकिन थैंक यू तुम्हारा, तुम्हारी वजह से ये सब नसीब में हो रहा है मुझे आज अलग अलग चीज़ें खाना। सो अभी पराठा खा लेते हैं, एंड उसने मुझे एक और चीज़ बोली है कि अगर मुझे खाना खाने के बाद अगर भूख लगे तो क्या करें, लेकिन अगर मुझे भूख नहीं भी लगेगी ना तो भी मैं वो करूँगी, क्योंकि मतलब मेरी खुद की बहुत इच्छा हो रही है, तो पहले ये खा लेते हैं, देन बीच में एक दो घंटे का ब्रेक हो जाएगा ना तो मुझे थोड़ी और भूख भी लग जाएगी, तो हम वो भी बना के खाएंगे या पिएंगे, दोनों में से एक तो करेंगे। तो मैं ये खा लेती हूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ। अभी भी तुम्हारे लिए चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं, तुम्हें पता है कि मैं बहुत देर रात तक जगती रहती हूँ, आई एम अ नाइट आउल, मेरी सुबह ही रात को होती है, सो भूख तो लगेगी ना रात में भी। सो हैज अ मिड स्नैक फॉर यू, लाइक मिड नाइट स्नैक फॉर यू, कि तुमको या तो मैगी बनानी है, क्योंकि जो भी बंदा रात में जगता है ना, आप सब भी रिलेट करोगे कि हमको रात में, बीच रात में मैगी खाने का बहुत ही मजा आता है, वो हमारा गिल्टी प्लेजर होता है। सो आइदर यू मेक मैगी या फिर तुम बर्नवीटा वाला दूध जिसमें चीनी मिक्स नहीं होगी, अगर मतलब अगर तुम्हें बिना चीनी के दूध पसंद नहीं है तो फिर तुम चीनी मिक्स कर सकती हो, वरना बॉर्नविटा वाला दूध या फिर मैगी, चॉइस इज अप टू यू। नाउ इट इज अ मॉर्निंग, लेकिन तमन्ना ने बोला था कि रात में अगर भूख लगे तो मैं बॉर्नविटा या मैगी कुछ भी खा पी सकती हूँ, लेकिन रात में मुझे भूख लगी नहीं और मैं ऐसे ही सो गई, बट मुझे बॉर्नविटा पीना है, और अभी वैसे भी पूरे 24 घंटे नहीं हुए हैं, मैंने कल थोड़ा लेट ही चैलेंज चालू किया था और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, इसलिए अभी हम बॉर्नविटा पियेंगे क्योंकि मुझे बॉर्नविटा पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। तो आज सुबह में उठ के हम चाय नहीं बल्कि बॉर्नविटा पीने वाले हैं, तो जल्दी से बनाते हैं एंड आराम से बैठ के अपने बॉर्नविटा को एंजॉय करते हैं। ओके जी, तो हमारा यहाँ पे मस्त बॉर्नविटा वाला दूध तैयार है, और इतने सालों के बाद मैं ये पी रही हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मैंने बॉर्नविटा नहीं पिया, एंड इसकी स्मेल यार, मतलब बचपन में मुझे इतना पसंद था ना खाना, स्पेशली पीना नहीं क्योंकि दूध के साथ पड़ता है तो मुझे पीना थोड़ा कम पसंद था, लेकिन खाना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन आज हम इसे पियेंगे और चाय की जगह आज मैं पहली बार कुछ और पी रही हूँ, मतलब वाह। इसका टेस्ट, मेरे को हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन वो सारी चीज़ें इतनी नहीं पसंद जितना बॉर्नविटा पसंद है, बॉर्नविटा का एक अलग ही स्वैग है सच्ची में। हाँ जी,
जी गाइस, तो आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना। एंड ऑल्सो तमन्ना के चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसका इंस्टाग्राम भी दे दूंगी। जाओ और जल्दी से हम दोनों को फॉलो करो इंस्टा पे, दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड या दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।